जब से हम कनाडा आए हैं फर्स्ट टाइम इसको फीवर आया है लाइव इन कनाडा विद कोविड इन 2022। इस वीडियो में बात करेंगे ऑन फाइव फैक्टर्स रैपिड टेस्ट किट्स और आपको वो खुद ही घर पे करना है। थ्री बादाम मिले अमेरिकन बादाम ड्रग मार्ट शॉपर्स ड्रग मार्ट लकीली यहाँ पे सभी नानी दादी भी याद आ गई। बस वाइफ है तो लाइफ है, नहीं तो सिर्फ नाइफ है। गवर्नमेंट ऑफ बीसी हैज अनाउंस्ड विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 2022 एनीवन हु इज सिक। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कनाडा पॉजिटिव। सो मॉम इज सिक एंड वी डिडंट गो एनीवेयर आउटसाइड एंड पार्टीइंग नथिंग लाइक दैट बट स्टिल मॉम गॉट सिक। आई डोंट नो हाउ। Watch this video until the end. Please subscribe, like, share, comment, and I forgot. हेलो गाइस, तो आज नेहा का जो सेल्फ आइसोलेशन का आज थर्ड डे है और उसके सिम्टम्स बिल्कुल वही सेम है एंड आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली इट इज़ कोविड। एंड आज तो मेरी भी थोड़ी सोर थ्रोट है और रेनित का भी रात को थोड़ा सोर थ्रोट हो गया था एंड ही वाज क्राइंग एज वेल, क्योंकि उसको 2 ईयर्स बाद जब से हम कनाडा आए हैं फर्स्ट टाइम उसको फीवर आया और तो समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, मेरी बॉडी एक क्यों हो रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर बैड लाइट, लो माइक क्वालिटी, बिकॉज आज मेरी बैटरी डाउन है। इनफैक्ट हम सबकी बैटरी डाउन है आज। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइव इन कनाडा विद कोविड इन 2022। तो कोविड के साथ हमें अब जीना ही पड़ेगा, बिकॉज पहले लास्ट ईयर कोविड था, कोरोना था, फिर डेल्टा आया, नाउ ओमिक्रॉन, एंड यू नेवर नो व्हाट इज नेक्स्ट। सो इसके लिए हमें प्रिपेयर होना ही पड़ेगा एंड वी हैव टू लिव विद इट। सो इस वीडियो में बात करेंगे ऑन फाइव फैक्टर्स। सो फर्स्ट फैक्टर विल बी सिचुएशन क्या है इन बीसी इन कनाडा राइट नाउ, एंड सेकंड फैक्टर विल बी सिम्टम्स, व्हाट आर द सिम्टम्स, थर्ड इज टेस्टिंग, एंड फोर्थ फैक्टर वी आर गोना टॉक अबाउट इज व्हाट आर द बेनिफिट्स द गवर्नमेंट इज गिविंग यू इफ यू tested positive or you have some symptoms, and fifth will be results. अगर आपका result positive होता है then what? So make sure watch this video till the end. तो firstly हम बात करते हैं situation की। The situation right now in 2022 in BC is not good. There is a rise in Omicron and COVID cases. और अब जिनको भी हो रहा है उनको कोई specific reason नहीं है कि वो gatherings में गए थे या party कर रहे थे, उनको बस ऐसे ही हो रहा है। Just like us, हम weekend में हम कहीं नहीं गए, we didn't celebrate our Christmas, New Year with any family, हम कहीं बाहर eating out नहीं किया हमने। यहाँ पे सभी नानी दादी भी याद आ गए, बिकॉज जो हस्बैंड्स है ना वी आर ब्लेस्ड विद आवर वाइफ्स, क्योंकि वो सब कुछ कर लेती हैं यार, घर का खाना, बेबीज, हमें देखना, सब कुछ। और इट्स वेरी हार्ड फॉर अस टू फिल इन देयर शूज। आई ट्राइड अ लॉट बट नथिंग वाज हैपनिंग, बिकॉज मैंने कल जो है मैंने ऑफ लिया था। यहाँ पे एक ये भी बेनिफिट है, अगर आपका एम्प्लॉयर अच्छा है, आपके पास बेनिफिट्स अच्छे हैं, तो आपको ऑफ मिल जाते हैं और उसमें कोई टेंशन नहीं होती। उसके बारे में हम बात करेंगे इन द अपकमिंग स्टेप्स। जब मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला था कि नेहा इज डाउन विद फीवर, तो सबने हमें बहुत सपोर्ट की, बहुत मैसेजेस आ रहे थे, हमें पर्सनल मैसेजेस भी आए। तो उसमें वन ऑफ द आर सब्सक्राइबर हैज कोटेड कि नेहा को कांजी खिलाओ, लाइट फूड दो। तो मैंने कांजी जो है वो यूट्यूब में सर्च की और बनाई, क्योंकि इट्स वेरी हेल्दी फूड। और कांजी से क्या होता है, उसमें गार्लिक और क्यूमिन सीड्स डालते हैं, तो उससे आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका आयरन और ब्लड प्रेशर है वो स्टेबल रहता है, वो डाउन नहीं होता। बट रेनित रेनित डिडंट लाइक इट। मुझे सिनेमा नहीं मिल रही है, वेरी शुगर। भगवान से प्रे करो कि आपकी वाइफ कभी बीमार ना हो, बिकॉज वाइफ है तो लाइफ है, नहीं तो सिर्फ नाइफ है। तो सुबह से मैं किचन में लगा हूँ, कभी कभी कुछ मुझे कुछ पता ही नहीं कहाँ पे क्या पड़ा और कुछ नहीं बन रहा, रेन तो कुछ पसंद नहीं आ रहा। टिफिन सर्विसेज अवेलेबल हैं, बट यार हम ट्राई करते हैं कि होम मेड फूड ही खाएं, स्पेशली वैन वी आर इन फीवर एंड कोविड। तो इसलिए हम ट्राई करेंगे होम मेड फूड ही खाएं, जितना मुझे आता है मैं बना रहा हूँ। लकीली मुझे खिचड़ी, दाल, चाय, राइस थोड़ा बहुत आता है। मैं कह रहा था कि मैं नहीं खाता खिचड़ी, दाल, चावल, आई वॉन्ट रोटी। तो रोटी का मुझे डो नहीं बनाना आता और डो वी डोंट हैव डो, सो इसलिए मैं कल वॉलमार्ट गया और वहां से मैं एक रोटी का पैक लेके आया। लकीली यहां पे एक रोटी का पैक मिल गया मुझे। होपफुली यू विल लाइक दिस वन। कैन आई हैव वन टू? ओह, इज इट गुड? स्मेल्स गुड। छोड़ो, आप थ्री बादाम मिले अमेरिकन बादाम। वेयर इज अमेरिकन बादाम? दीस आर नॉट अमेरिकन बादाम, दीस आर ब्राजीलियन नट्स मैन। यू टोल्ड मी दैट। तो गाइस बात करते हैं सिम्टम्स की। मुझे बहुत बुरी हालत थी, बिकॉज बॉडी एक थी, पूरा लोअर बैक जो था वो बहुत ज्यादा एक कर रहा था और
मतलब फिर से खड़ा भी नहीं बनता एकदम से. आई फील कि मुझे कुछ हुआ है, अजीब सा हो रहा है. और भाई संडे वो थोड़ा सा एक था लेकिन वो कम होता है, पर फीवर बहुत ज़्यादा आ रहा था बार बार. और देन मुझे उसके बाद टायलेनोल लेनी पड़ी आफ्टर एवरी 5 आवर. और अब जाकर यार थर्ड डे है, बॉडी एक तो नहीं है बट फीवरिश है, वीकनेस बहुत है. और आज मैं टेस्ट करवाने गई थी बट वॉक इन उन्होंने लिया नहीं, सो मे बी टुमारो क्योंकि मेरी अपॉइंटमेंट है 10:45 AM पे. फिर देखते हैं ये कोविड है या क्या है. गाइस रात के बज गए हैं 11:15. पहले तो नेहा को ही सिम्टम्स थे, अब रेनित को भी थोड़ा सा फीवरिश हो रहा है. तो रेनित को जो है लास्ट 2 ईयर से जब से हम कैनेडा आए हैं इसको कभी भी फीवर नहीं आया, तो इसलिए बेचारे को पता नहीं लग रहा. ही वॉज क्राइंग. हमने थोड़ी सी उसको कफ सिरप दी है बट यहाँ पे जो मेडिसिन है वो डिफरेंट होती है बेबीज़ के लिए अप टू द एज ऑफ 12. तो उस स्टोर में आया हूँ, ड्रग मार्ट, शॉपर्स ड्रग मार्ट. लकीली जो ये स्टोर है ये 12 AM तक खुला होता है. एवरीथिंग इज सोल्ड आउट. देख सकते हैं कि हमें कितनी अभी डिमांड है इस चीज़ों की. हाँ जी, तो मैं शॉपर्स के सेकंड स्टोर में आया हूँ जो एबसफोर्ड में है. तो कुछ ज़्यादा ऐसा भागने की जरूरत नहीं है फॉर मेडिसिन, बट मुझे रेनित के लिए एक फीवर की मेडिसिन चाहिए जो कि हो अप टू द एज ऑफ 12, जो यहाँ पे नॉर्मल मिल रही थी लास्ट स्टोर में जब मैं कल गया था. तो उसमें इसलिए मैं दूसरे स्टोर में यहाँ देखने आया हूँ कि यहाँ मुझे मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी. तो ये थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि जैसे यहाँ पे कुछ भी एकदम राइज होता है तो लोग पहले भागते हैं और सारा स्टॉक इकट्ठा कर लेते हैं. और जो स्टोर्स में फिल इन डेट्स होती हैं वो 1 or 2 a week होती हैं, तो वो डेज जो हैं वो आने तक वेट करनी पड़ती है. होपफुली इसमें मुझे मिल जाएगी. तो यहाँ से मिल ही गया. टू डेज तो आई वॉज ऑल ओके, मुझे कुछ भी नहीं था. बट थर्ड डे नाउ आई मीन सोर थ्रोट और मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है, इट्स वेरी हार्ड टू स्पीक. तो थर्ड बात करते हैं टेस्टिंग की. तो टेस्टिंग जो ब्रिटिश कोलंबिया में है वो सिर्फ अपॉइंटमेंट बेसिस पे हो रही है. एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि संडे को जो नेहा की कंडीशन है वो वर्स्ट होने शुरू हो गए थे. सो शी बुकड एन अपॉइंटमेंट एंड शी गॉट एन अपॉइंटमेंट फॉर ट्यूजडे एट अराउंड 10:45. तो मंडे की अपॉइंटमेंट ही नहीं मिली हमें. सो वी कॉल्ड पब्लिक हेल्थ एंड दे सेड यू कैन ट्राई वॉक इन देयर. तो हम वॉक इन पे जब गए मंडे को तो वी वर नॉट एबल टू गेट इन बिकॉज दैट वॉज ओनली अवेलेबल फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स. और जो ब्रिटिश कोलंबिया में राइट नाउ दे आर ओनली गिविंग यू रैपिड टेस्ट किट्स और आपको वो खुद ही घर पे करना है एंड देन यू हैव टू सी योरसेल्फ और आपको अपने सिम्टम्स जो है मॉनिटर करने हैं. यहाँ पे ब्रिटिश कोलंबिया में कहीं पे जो स्टोर्स है वहाँ पे भी ये किट अवेलेबल नहीं है. दैट इज ओनली अवेलेबल विद द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स और गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे टेस्टिंग हो रही है वहीं पे अवेलेबल है और कहीं भी अवेलेबल नहीं है. तो अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट बेनिफिट्स और एम्प्लॉयर बेनिफिट्स क्या है. यहाँ पे अगर आपका अच्छा एम्प्लॉयर है तब तो आपको बेनिफिट्स बहुत ही ज्यादा मिलते हैं और बेनिफिट्स फिर आपको सोचना नहीं पड़ता कुछ भी. यहाँ पे MNCs हैं, अच्छी कंपनीज है, बड़ी कंपनीज है, उनके बेनिफिट पैकेजेस बहुत अच्छे होते हैं. जैसे मेरे पास जो बेनिफिट पैकेज है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अट्रैक्टिव है. यू गॉट 3 weeks ऑफ पेड वेकेशन. इफ माई डिपेंडेंट चाइल्ड इज सिक आई कैन टेक लीव टू टेक केयर ऑफ हिम एंड दैट विल बी 100% पेड. अगर मेरा स्पाउस या मैं बीमार हूँ दैट विल बी पेड 75% बट स्टिल दे आर पेइंग अस. इवन इफ आई वॉन्ट टू टॉप अप माई सिक leave then I can do from my vacation. I can take 25% from the vacation. I can add in this one. Union, agar aapki job unionized hai tab to aapko bilkul bhi sochna nahi padta because union jo hai aapko support karti hai aise kamon mein. Ab to covid hai to government bhi support kar. Even government of BC has announced with effect from January 2022 anyone who is sick he can take 5 days paid leave. Doesn't matter you are a private or public worker. Major benefits jo hain public aur private sector ke sare similar hi hain. Jo major benefits to sabhi ko milte hain. अगर आपको जानना है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग विद पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर इन कनाडा डू कमेंट डाउन बिलो. मैं आपको पूरी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताएंगे कि क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलते हैं. इवन इफ यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड देन यू कैन टेक एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट की लीव ले सकते हैं टू टेक केयर ऑफ देम. बिकॉज क्या है कि ना कि अगर आपके पास बेनिफिट्स ही नहीं होंगे, अगर पर्सन सिक्योरिटी नहीं फील करेगा कि यार मुझे प्रॉब्लम है और मैं अपनी जॉब भी अब जरूरी है करनी तो क्या करें. क्योंकि कनाडा जो है वो रुकता तो किसी के लिए भी नहीं है. तो इसलिए क्या है कि गवर्नमेंट जो है बेनिफिट्स देती है ताकि आप सिक्योर फील करें कि आपकी जॉब वहीं पे सस्टेन करेगी. तो गाइज आज नेहा का जो कोविड टेस्ट है आफ्टर 30 मिनट्स, सो वी आर गोइंग टू हैव हर टेस्ट. लेट्स सी व्हाट शी गॉट.
गाइस नेहा जो है अंदर टेस्ट कराने गई है कोविड टेस्ट, सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर शेयर करेंगे कि हमारे कोरोना रिजल्ट्स क्या हैं एंड हाउ कैनेडियन गवर्नमेंट इज वर्किंग फॉर दोज हु आर गेटिंग पॉजिटिव नाउ एट दिस 2020। थैंक यू फॉर वॉचिंग व्लॉग, टेक केयर गाइज। Mama, how was your test? Mama, how was your test? They give it for the house, so I have to do it at home and then see.